हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लांट सरा। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्लांट मनी प्लांट के बारे में। ये नॉर्मली सबके घरों में पाया जाता है, मतलब लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से लगाते हैं। काफ़ी सबसे पहले अगर कोई गार्डनर होगा या किसी को प्लांट का शौक होगा, सबसे पहले वो मनी प्लांट ही अपने घर में लगाएगा। तो आज हम बात करेंगे इसकी सारी केयर वगैरह के बारे में, क्योंकि मनी प्लांट को लेकर बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं कि इसकी केयर कैसे करें, जो इसके पत्ते पीले ना पड़े, इसके पत्तों का साइज़ मेंटेन कैसे करें, इसके पत्तों पर शाइन कैसे आए, कैसे इसको हम किस जगह रखें, घर में इनडोर रखें, आउटडोर रखें, ताकि बुशी रहे। तो आज हम सारी बातें वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आप मनी प्लांट को कहाँ पे रखें, मतलब कि इंडोर रखें, आउटडोर रखें। मनी प्लांट बेसिकली दोनों जगह पे वर्क अच्छे से करता है। अगर इसे आप इंडोर रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा हो, जहाँ बिल्कुल ही शाइन ना हो, थोड़ी रोशनी ना आए या फिर थोड़ा धूप ना आए। क्योंकि अगर ऐसी जगह पर आपने रखा तो आप देख रहे हैं, जैसे नॉर्मली वेरीगेटेड वाले मनी प्लांट्स होते हैं, इनमें ये वेरीगेशन नहीं होता, लीव्स खाली प्लेन कलर की निकलेंगी और बहुत धीरे ग्रोथ होगी। तो इसलिए आप अगर इंडोर भी रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इन्हें थोड़ी थोड़ी धूप मिले, सुबह की रोशनी मिले, ब्राइट लाइट मिले। और अगर आउटडोर रख रहे हैं तो तब भी ऐसे एरिया में रखें जहाँ इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले या फिर थोड़ी छन के धूप मिले, वहाँ काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन मनी प्लांट को लेकर ये होता है कि आप मनी प्लांट को बुशी कैसे करें। तो मनी प्लांट को बुशी करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जैसे एक पॉट में मनी प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें जैसे कि अब मेरा ये नियॉन मनी प्लांट है, तो मैंने इसमें एक साथ कई सारे कटिंग्स लगाई थी। तो उससे क्या होता है, कई कटिंग्स लगती हैं तो एक साथ वो काफ़ी सारी ग्रो करती हैं, तो आपका प्लांट बुशी रहता है। अब आप देख रहे हैं मेरे पास ये 2 मनी प्लांट की वैरायटीज़ है, ये गोल्डन मनी प्लांट है और ये नियॉन मनी प्लांट है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारी छोटे छोटे पॉट्स में इनकी कटिंग लगाई हुई है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और ये वाला आप देखिए नॉर्मल मनी प्लांट है जो मैंने कटिंग के थ्रू लगाया है, इनमें काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। पॉट्स आप कोई प्लांट लाएंगे तो उसमें पॉट्स में आते हैं, तो मैंने उन्हीं पॉट्स में इनकी कटिंग लगा दी है। मनी प्लांट बेसिकली कटिंग से बहुत जल्दी से लग जाता है, इसकी कटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती इसको ग्रो करने में कटिंग से। तो मनी प्लांट को लेकर अब तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप इसकी लीव्स को कैसे चौड़ा करें, इसको क्या दें, इसको क्या फर्टिलाइज़र पसंद है। मनी प्लांट को बेसिकली उसकी सॉइल को ऐसे मेंटेन करके रखिए, उसमें 1%, मतलब एक हिस्सा उसमें सैंड का लगाइए, एक हिस्सा उसमें कंपोस्ट डालिए कोई। और मैं तो सबसे आसान तरीका ये बताऊंगा कि आप मॉस स्टिक में मनी प्लांट को लगाइए। ये देखिए मैंने मनी प्लांट को मॉस स्टिक में लगा रखा है। पहले मैंने इसमें ये घर पे ही बनाई थी मॉस स्टिक, इसमें ग्रो करी थी 2 कटिंग्स। और देखिए फिर इसके बाद मैंने ये मॉस स्टिक में लगाई है, तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। पत्तों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और शाइन भी हो रहा है, और इसीलिए आप मनी प्लांट को मॉस स्टिक में लगाइए। देखिए आपने मेरे दोनों मनी प्लांट मॉस स्टिक में लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे बुशी। अब इसकी बात करते हैं वाटरिंग की, तो मनी प्लांट को ध्यान रखें आप 5 से 7 दिन में वाटर डालें इसमें, इसकी जड़ों में, जब इसकी मिट्टी थोड़ी सूखी दिखने लगे। अगर लेकिन हाँ, मनी प्लांट को थोड़ा ऐसा, मतलब कि इसके पत्तियों पर डेली आप स्प्रे करते रहें पानी के, इससे मॉइस्चर पत्तियों पर बहुत पसंद है, तो आप इसकी पत्तियों पर डेली स्प्रे करते रहें वाटर से, तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन इसके पॉट में आप मेंटेन रखें पानी को, ज़्यादा पानी ना डालें। और इसी वजह से, और इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें NPK डाल सकते हैं, NPK 1990, NPK 2020 आता है, वह उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसे बारिश का पानी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप रेनी सीज़न अभी अभी निकला है, जस्ट अभी बारिश हो भी रही है कभी कभी, तो आप उसे बारिश में ज़रूर रखें, बारिश इसको बहुत पसंद है, बारिश में बहुत ज़्यादा खिल उठता है, बुशी हो जाता है, तो इसीलिए आप ये भी ध्यान दें। और देखिए आप अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे, इसकी लाइट, अगर आप ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे, आप इसको वाटरिंग मेंटेन करेंगे, आप इसको लाइट वगैरह प्रॉपर देंगे, तो इसके पत्तों में वेरिएशन बहुत अच्छे से होगा। देखिए आपको सब पत्तों में वेरिएशन अच्छे से हो रहा है। नियॉन मनी प्लांट का देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, नियॉन बिल्कुल। तो इसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है नॉर्मली, और ये काफ़ी अच्छे से इजीली ग्रो हो जाता है अगर इसकी थोड़ी सी केयर करें तो। और मनी प्लांट बेसिकली कटिंग्स हो जाता है। देखिए आप जैसे मेरा नियॉन मनी प्लांट है, तो इसमें हर इस पत्तों के नीचे से एक वो निकलती है जड़ें, तो आप यहाँ से इसको काट के
और इसको यहीं से किसी और पॉट में वो कर सकते हैं, फिर ये ग्रो हो जाएगा और ये नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे ही आप कर दीजिए। और मैं भी इसकी कटिंग करूँगा कुछ टाइम में, क्योंकि बहुत नीचे लटक चुकी है, और ये सब मैंने इसे कटिंग से ही ग्रो कर रखी हैं। तो आप भी ऐसे ही ग्रो करें, बहुत ईजीली ग्रो हो जाती हैं और काफ़ी अच्छी चलती हैं, इनडोर भी आउटडोर भी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स आप तक आते रहें।